देश भर में नीट परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और आज राजस्थान कांग्रेस ने भी जयपुर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रखा है। आपको बता दें, नीट परीक्षा हुई थी, उसमें लगातार सोशल मीडिया और देश भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को जबरदस्त तरीके से उठा रही है। वैसे आपको बता दें, 14 जून को नीट परीक्षा का परिणाम आना था, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस दिन आ रहे थे, मतलब 4 जून को लोकसभा के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन नीट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज यहां जयपुर में प्रदर्शन किया है और यहां पर कार्यकर्तागण, कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। लगातार मौसम है, कोशिश करेंगे सर, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया? जो नीट का एग्जाम होता है, जिस प्रकार से धांधली केंद्र सरकार द्वारा के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हुई, उसके विरोध में युवाओं का जो भविष्य बिगड़ रहा है, हमारी मांग है कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको फल मिल नहीं रहा, और जिनका लाइजनिंग है, जो पैसे दे रहे हैं, जो इसमें भ्रष्टाचार है, जो इसमें धांधली कर रहे हैं, उन लोगों ने कई बच्चों से पैसे लेकर उनका सिलेक्शन कराया। अनुराग यादव का कल बयान आया, टीवी में हम लिख रहे थे, उसको एक दिन पहले बुलाना और उसको क्वेश्चन देना, और वो सभी प्रश्न एग्जाम में आना इस बात का द्योतक है कि इस नीट के एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच और दोबारा एग्जाम कराया जाए, ताकि जो लायक विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी, उनका सिलेक्शन हो। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? ये आज धरना है, आज सांकेतिक धरना है। अगर केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है, पूरे राजस्थान में हम कांग्रेस धरना देगी। जिले भाई के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो लगातार नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए नजर आए हैं। लगातार हम इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है नीट परीक्षा को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीट परीक्षा को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस, एक जनता के हित में काम कर रहे हैं। जो नीट का पेपर जो कैंसिल कर रहे हैं बार बार, इसका बोझ किस पे आएगा आप बताइए? जनता पे आएगा, जनता का जो काम करना है उनको, वो काम तो कर नहीं रहे। नीट के पेपर को ये कैंसिल कर रहे हैं, और बीजेपी फुल जोरों से तानाशाही पे उतरी हुई है। नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई है, 700 में से 720 नंबर आ रहे हैं, 35 जनों के केस आ रहे हैं, ये एक भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? देखिए, इन तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार भाजपा सरकार पर आरोप है कि जो नीट परीक्षा हुई थी उसमें छात्रों के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ, उसको लेकर आज यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने राजस्थान कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार हम इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर? देखिए, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, जो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। जो मोदी सरकार है, और जिस तरह से नीट के अंदर धांधली हुई है, ये इनकी पोल खोलती है कि किस तरह से ये युवाओं के प्रति कितने सजग है। जो लोग चिल्ला रहे थे कांग्रेस राज में कि ये पेपर आउट हो गए, पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे बुलडोजर चलाएंगे, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि अब उनका जो बुलडोजर कहाँ गया? जिन लोगों ने नीट के पेपर में धांधली की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा, अब चुप क्यों है मोदी जी? और बीजेपी की सरकार आज यहाँ पर इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी विरोध धरना प्रदर्शन कर रही है। सम्माननीय गोविंद डोटासरा जी और हमारे अजमेर से धर्मेंद्र राठौड़ जी और हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि युवाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, अन्यथा मोदी सरकार के खिलाफ जो युवा है उठ करके सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करेगा। सर, अगर इस प्रदर्शन से बाद अगर नीट परीक्षा रद्द नहीं होती, तो आपका अगला कदम क्या? बिल्कुल, देखिए, जो भी हमारे हाईकमान आदरणीय राहुल गांधी जी और गोविंद डोटासरा जी मिलकर के, सम्माननीय गहलोत साहब और हमारे हाईकमान कांग्रेस के जो हमें आदेश देंगे, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, और पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर इस नीट के एग्जाम को लेकर के कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और जनता की आवाज़ को आगे पुरजोर तरीके से उठाएगी। देखिए, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो लगातार नीट परीक्षा की, जो नीट परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने की मांग को लेकर लगातार इनकी मांग जारी है। आज राजस्थान कांग्रेस प्रदेश बिहार में डबल इंजन, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर क्या सरकार है? नीतीश कुमार जी, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया,
सरगना का भी हमें पता चल गया है। यहाँ पर काफी क्राउड होने की वजह से लगातार इन कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। सर, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है नीट परीक्षा को लेकर, उसको लेकर धांधलियाँ तो हो ही रही है केंद्र में, सब परेशान है। मिली जुली सरकार थी इसलिए उन्होंने सरकार बना ली है, बाकी तो इनके कोई चांस थे नहीं। मोदी जी, अब मेरा तो यही कहना है कि इसकी सीबीआई जांच कराएं, युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, बस यही कहना चाहता हूँ। देखिए, इन तमाम कार्यकर्ताओं का यही आरोप है कि जो देश भर में जिन युवाओं ने परीक्षा दी थी उनके साथ कहीं ना कहीं नीट परीक्षा में खिलवाड़ हुआ है, और उसको लेकर लगातार भारतीय कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस आवाज उठाती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, नीट परीक्षा में करीबन 25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी नीट परीक्षार्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।